अच्छा रेडी हो गए जाने के लिए। धूप होती है। सामान वगैरह पैक कर लिया है। ओल्ड डेजर्ट के बाद देखते हैं शिंगरेला, अगर मिल जाता है मैं खुलावा तो, नहीं तो उसके बाद डायरेक्ट जाएंगे वापस। शिंगरेला जाएंगे, लाल लाल भाई ने कह दिए तो फिर जाएंगे। तैयारियाँ हो रही है। रूम वगैरह ये था हमारा, वो सामने सामान वगैरह निकाल दिया, वो चार्जर लगे नज़र आ रहे होंगे, थोड़ा निकाल जाते थोड़ी चार्ज कर लें, बाकी सामान यहाँ पड़ा है, कुछ यहाँ पड़ा है। नाश्ता करेंगे अभी कहीं जाके, उसके बाद कोल्ड डेजर्ट इंशाल्लाह। पिछली कल तो बहुत रश था, इस वजह से शंग्रेला हमने स्किप कराना पड़ा था। आज सुबह सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, पहुँच गए कोल्ड डेजर्ट। ये पीछे, और यहाँ पे हमारे पास पबजी की एक व्हीकल है जिसको हम उड़न कटोला कहते हैं, ये पड़ा है, उड़ के जाना है। सामने भी है कोई, मैं नहीं आया पहले, हालांकि मेरा गांव इधर से आ गई है, लेकिन ये दूर से, ये तो इस तरह के रास्ते देख देख के मुझे बहुत आदत हो गई थी, तो इस वजह से मुझे कोई फील नहीं हुआ। यहाँ पे ये 4x4 बाइक्स भी जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी एक बाइक खड़ा हुआ है, वो सामने भी वो हेलमेट वगैरह पहन रहे ऊन को लेके जाते हैं। तो अब देखो मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, उनसे कोई बात करूँगा कि कितने पैसे लेगा, क्योंकि अब हम जीप में, वो आगे टीले नज़र आ रहे हैं वहाँ जाना है, यहाँ पे तो फ़ायदा नहीं है, तो इतने रेत नहीं। ये उड़ेगा अभी, मैं शायद रनवे पे आ गया उसके। ये कोल्ड डेजर्ट, वहाँ से आगे जीप्स मिलेंगे आपको, ये जी बिल्कुल बाबे शिगर है ना, मुझे इशारे कर रहे इधर नहीं जाना, इधर ना है। रीली ना जी जी से के बने जी ताम जी भी दिखा लेंगे। 6000 रुपये 6000 रुपये ताम में कम से कम 8 से 10 मिनट चल रही है। अच्छा डिजाइन स्टोरी में अच्छा, वो गुंजाइश गुंजाइश भी है, मतलब मैनेजर साहब फोन से चिक मिची को मंदे मिची के हां मुझे फिर तो मैं जो टेस्टिंग फ्लाइट बैन होती हूं जो से अच्छा जो पीछे बजने में उसे नाम उसे नाम है जिंदे ड्राइवर ने जो ये ड्राइवर को नाम है फिर इंशाल्लाह 8 साढ़े 8 तक खाने 8 साढ़े 8। अच्छा ये कह रहे हैं ड्राइवर आएंगे 8 साढ़े 8 बजे तक, तो वो जीप्स और ये 6000 मांग रहे हैं। मुझे तो कह रहे कुछ रियायत कर दूंगा, लेकिन उनके मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, तो यही घुमा रहा है, मज़ा फ़ायदा है वो उधर लेकर जाए। चलो हम सोच रहे हैं इन बाइक्स पे जाएं, अब हम क्योंकि गाड़ी तो 8 साढ़े 8 बजे आ रही थी, तो हमने सोचा कि पैदल ही निकलें जहाँ तक हम जा सके। ये रेत यहाँ पे नरम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, इसका मतलब है कि गाड़ी, क्योंकि हमारी छोटी गाड़ी थी इस वजह से वो तो यहाँ आना पॉसिबल नहीं थी, फंस जाती वो यहाँ पे। आधा घंटा हो गया हमें चलते हुए, अभी भी बहुत दूर है, तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा, और जैसे जैसे धूप तेज हो रही है वो
वहाँ तो फौजी फायरिंग कर रहे, जैसे जैसे धूप तेज हो रही गर्मी बढ़ रही। अच्छा काफ़ी आगे पहुंच गए हम तकरीबन, वो जो दूर से टीले नज़र आ रहे थे। क्यों बिलाल भाई, कोल्ड डेजर्ट है? कोल्ड है ना, कोल्ड चेक कर। कोल्ड तो है, कोल्ड तो है। वो दूर जहाँ से हम आए हैं वो तो रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल मज़े की जगह है वो। वहाँ पे वहाँ से आए थे हम, वो सकरदू है, ये फगस, और फिर आगे यहाँ से आगे आदि शिखर। ये बड़ी प्यारी जगह है, खूबसूरत नज़ारे। बहुत दूर से आए हम, वो बहुत दूर से पीछे से, और यहाँ पे हमारे पीछे बिल्कुल रेत के बड़े बड़े टीले हैं। कभी रेत, कभी सख्त रेत आ जाती है, कभी नरम हो जाती है, लेकिन ये है कि ठंड है। नहीं, जैकेट पहनी हुई है सब ने, सब जैकेट पहन के आ रहे हैं। जी हम सेट कर रहे हैं कैमरा ग्रुप फोटो के लिए। बस वापस जा रहे हैं आप, और मैं नंगे पैर चल रहा हूँ। बस गुड बाय कर दूँ, तकरीबन लास्ट स्पॉट ही था हमारा। चिंगरेला देखते हैं, मंतोका भी देखते हैं, अगर करीब हुआ तो चले जाएंगे। ये उड़ाने लगे हैं।